देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਠਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उसने कैनेडा सरकार तो मांग की कि दोषी नूं सख्त तो सख्त सजा दी जाए और जल्द ही उसके पुत्र की मृतक दे भारत भेजी जाए। मेरा बेटा 2 साल पहला स्टडी करने लई कैनेडा गया सी, मतलब चंगे भविख दे लई कैनेडा स्टडी करने दे लई भेजा सी। कैनेडा 2 साल पहला स्टडी वीजे ते गया सीगा ते एडमिंटन कैनेडा दे एडमिंटन शहर दे विच गया सीगा पढ़ने दे लई चंगे भविख दे लई। गलबात उहदी मेरी डेली होंदी रहिंदी सी, बहुत इकलौता बेटा सी मेरा जो मेरे ढिड नूं अज्ज अग लगी हुई है। मैं चाहुंदी हां किसे दे वी ना लगी जावे। उह मेरे रिश्तेदारां दे कोल ही गया सीगा, उत्थे अपनी मासी दी हैल्प करन दित्ता सी। जिस टाइम उहदे नाल इह घटना वापरी हैगी, उह मासी भाणजा गड्डी दे विच जा रहे सीगे, जो उहदा रिश्तेदारी दे विच मैं मासड़ नहीं कहूंगी हुण तां उह जिन्ना इक तरह दा मेरे लई, जिन्ने मेरे पुत्त दा कतल कीता। उह बहुत ही धनाड़ बंदा है जिहड़ा अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश कर रिहा, पर मैं नहीं चाहुंदी भी वह उन्होंने सज़ा सख्त तो सख्त मिलनी चाहिए और इंसाफ मैनू मिलना चाहिए। मैं कनेडा सरकार तो और कनेडा सरकार के जो एडमिंटन भाईचारा है वो हाथ बन के मेरी यही बेनती है कि वह वध तो वध मैनू इंसाफ दवा। कनेडा सरकार भी मैनू इंसाफ दवाए वध तो वध, एडमिंटन वसदा पंजाबी भाईचारा भी मेरी वध तो वध मदद करे, उसनों सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। उसने बड़ी बेरहमी मेरे पुत्र का कतल किया जो कि अज मैं बहुत ही दुखी हाँ। मेरे लिए इकलौता बेटा सी मेरा, मेरे लिए कुछ नहीं बचा अज इतनी, वो तो बिना मेरी अज जिंदगी उजड़ गई, दुनिया उजड़ गई मेरी, मेरा कुछ नहीं रहा। बस मैं हुण आखिर ते ही चाहनी हाँ कि उस गमदूर सिंह नाँ दे बंदे नूं सख्त तो सख्त सज़ा दवाई जाए। कनेडा सरकार ते एडमिंटन दा पंजाबी भाईचारा घटना जाण बुझ के पति पत्नी का झगड़ा सी उन्हों का, मेरे बेटे नूं नहीं सी पता, वह अणभोल सीगा, वह एक उन्होंने नहीं सी पता कि इन्हों का झगड़ा है। वह अपनी मासी नूं मिलन गया सी ते मासी नूं मिलन वास्ते लै दोनों जा रहे सी, मासी भांजा उहदे घर वाला बस जो हैगा सी वह अपनी घर दी घरवाली नाल उहदा डिस्प्यूट सीगा, लड़ाई झगड़ा सी मेरे बेटे नाल उहदा कोई नहीं। मेरे बेटे नूं तां पता भी नहीं सीगा कि वी उह इह कुछ हो जूगा। उहने मगर जाणबुझ के गड्डी ला के मेरे बेटे की गड्डी का पेंचर करके जान बुझ के उन्हें मेरे बेटे का कतल किया और अपनी घरवाली का भी कतल करता से। यह जे बंदे नूं मैं मंग करती हूँ कि समाज के भी वह बंदा कलंक है क्योंकि जदों उन्हें अपने रिश्तेदार जां अपनी पत्नी नहीं बख्शी तो वह होर किसी की बख्श सकता। बस मेरी यही उम्मीद है कि मैनू मेरे नाल खड़ोगे सारा पंजाबी भाईचारा ते कनेडा सरकार। एक दूसरी मंग है कि मेरे बेटे की डेड बॉडी है जी पंजाब दे विच जल्दी तो जल्दी भेजी जाए तां कि मैं अपने बेटे की साथी नाल ला के लाश नूं साथी नाल ला के उहदे इंडियन संस्कारां दे हिसाब नाल उहदा संस्कार किया जा। सानूं शुक्रवार की रात 2 बजे पुलिस वालों का कॉल आई है कि तुहाडे बेटे नूं किसी ने शूट करता, उहदी एट द स्पॉट डैथ हो गई। उन्होंने सानूं 2 फोन नंबर दिते कि तुसीं आह फोन नंबर ते संपर्क करो। जद असीं उस फोन नंबर ते संपर्क किया तो उत्थों दे एक डॉक्टर ने कहा भी मैं डॉक्टर बोल रहा तो बच्चे की डेड बॉडी साढ़े को आ गई है, तुम ये बारे कोई इनफॉरमेशन जानना चाहते हो तो गल करो। तो असं उन्होंने इंटरप्रेटर की मंग की, इंटरप्रेटर अवेलेबल नहीं, जिन्नी क भी असं उन्होंने गल कर सके तो सानू यही पता लग्या कि साडा बच्चा डेड हो गया है। तो इस तो बाद उन्होंने सानू एक गल कही है कि ट्यूजडे इसका पोस्टमार्टम होगा। जो असं उन्होंने ये सवाल किया कि शूटर कौन है तो उन्होंने कहा भी असं उन्होंने अरैसट कर लिया। मैं अगर क्वेश्चन किया कि वह इंडियन है, वह कहते नहीं अजे साड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है असं ये नहीं दस सकते। इन्नी गल हुई है जी। उस तो बाद असं अपने रिश्तेदार जिस रिश्तेदार को बच्चा भेजा उन्होंने दोवे जण के नाम लए लड़के की मासी का उन्होंने मासड़ जी का, उदों उन्होंने सानू दसिया कि मासी भी नाल सी ते
ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੁਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94648 पंडित राधे शर्मा चमत्कार होंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाहा प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 0 45 85 588 38 617।